Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim, today we are going to solve the maths of class two. That is about fractions. Beta, हम आज पेज नंबर 98 पर कुछ fractions के बारे में सीखेंगे कि उसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने पहला सम किया हुआ है हमारे पास यहाँ पे देखें लिखेंगे किस तरह बेटा कि जो टोटल हिस्से होते हैं किसी चीज़ के वो हम नीचे लिखते हैं जैसा आप यहाँ पे काउंट करें बेटा कि अगर हम कलर्स स्टार्ट करते हैं तो ये वन टू थ्री फोर फाइव फा, सिक्स सेवन एट इसके एट हिस्से हैं टोटल तो हम लाइन खींच के वो जो टोटल हिस्से होते हैं वो हम नीचे लिख देते हैं और जो कलर किया हुआ हिस्सा होता है यानी कि जो इठा, उठाया हुआ हिस्सा होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और उसको हम लिखते किस तरह हैं स्पेल में बेटा जो ऊपर वाला होता है नंबर उसे हम सिंपली जो नंबर होता है वही बुलाते हैं जैसे कि वन है तो वन बुलाएंगे और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके साथ हम टी एच दे देते हैं तो ये हो जाएगा वन एट्थ सही है जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पे कुछ सम्स लिखे हुए हैं आप यहाँ पे चेक कर लें कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये फोर अपॉइंट फाइव है तो ये फोर फिफ्थ हो जाएगा अगर इसको देखेंगे तो वन थर्ड हो जाएगा मतलब कि एक चीज के तीन हिस्से किए हुए होंगे उसका एक हिस्सा उठाया हुआ होगा तो ये वन थर्ड हो जाएगा इसको देखेंगे ये नाइन टेंथ ये थ्री सिक्स हो जाएगा आखिर में हम टी एच दे देते हैं ठीक है अगर आधा होता है तो वन हॉफ बोलते हैं बेटा ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास पहला सम तो किया हुआ है नेक्स्ट पे आ जाए बेटा इसमें कि इसके टोटल हिस्से कितने हैं वो हम काउंट करेंगे बेटा तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल हिस्से हैं सेवन आप बीच में लाइन खींच के इस ब्लॉक में सेवन नीचे लिख देंगे सही है अच्छा कलर किए हुए ऐसे कितने हैं एक तो हम एक ऊपर लिख देंगे वन ठीक है तो ये हो गया वन ओ पॉइंट सेवन तो इसको हम लिखेंगे किस तरह बेटा ये वन सेवन थ हो जाएगा आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे वन ओ oh, एन ई वन डैश डाल दीजिए बीच में बेटा फिर सेवेंथ एस ई वी ई एन टी एच वन सेवेंथ हो जाएगा ठीक है मतलब कि सातवां हिस्सा कि एक जिसके सात हिस्से किए गए हैं उसका एक हिस्सा उठाया हुआ है सही है तो बेटा इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज आप हमें हल करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे कर देंगे और उसी तरीके से पेज नंबर नाइनटी नाइन नाएं पर जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो भी इसी तरीके से है उसके भी हमें नेम सी लिखने हैं ठीक है तो उसके भी हम आप नेम लिखेंगे बेटा जिसके पहला लिखा हुआ है फोर फिफ्थ तो अब यहाँ पे फोर डेश फिफ्थ लिख देंगे यहाँ पर थ्री सिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर फाइव सेवेंथ टू थर्ड अच्छा थ्री को हम थर्ड बोलते हैं जो तीन हिस्से किए होते हैं टू थर्ड ये वन थर्ड ये नाइन टेंथ ये वन फोर्थ ये टू नाइन्थ आप हमें हल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे याद रहे बेटा जस्ट ये एक्सरसाइज टू वन हम बाद में कर लेंगे इस पेज नंबर नाइन्टी नाइन की एक्सरसाइज जो वन है इसके ऊपर वाली वो हम बाद में कर लेंगे आप ये एक्सरसाइज टू पेज नंबर नाइन्टी नाइन की और एक्सरसाइज ये जो वाली है नाइन्टी एट की ये नीचे वाली आप तो ये करके आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे थैंक यू